हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है गर्लफ्रेंडिया चैनल में। दोस्तों आज कतर की बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों जो सबसे कतर की सबसे पहली अपडेट आ रही है, वहाँ के जो मौसम विभाग है उसने सभी को चेतावनी दिया है कि अभी कुछ कुछ ही 24 घंटों में दोस्तों वहाँ पे बारिश होने की संभावना है। मतलब दोस्तों वहाँ पे मौसम खराब हो सकती है कुछ दिनों में, और वहाँ पे तेज तेज जो विंड चलेगी, वहाँ पे थंडरिंग होगी, और वहाँ पे रेन भी हो सकती है, बारिश भी हो सकती है, और वहाँ पे कुछ तेज हवाएं भी वहाँ पे चल सकती है। इसलिए जो लोग भी वहाँ पे हैं, वहाँ की जो सरकार है सभी को चेतावनी दे दी गई है कि वहाँ पे कुछ ही समय में वहाँ पे मौसम खराब होने की संभावना है। तो दोस्तों कतर की जो अगली अपडेट आ रही है, वहाँ की जो GCC सिक्योरिटी फोर्स है उसने दोस्तों अरब गल्फ सिक्योरिटी के साथ एक मीटिंग तय किया गया है कि इसमें जो जो अरब कंट्री के जो जो फोर्स हैं और कतर के जो फोर्स है, इसमें दोस्तों अच्छा रिलेशन बना रहे, इसलिए इस मीटिंग का नाम दिया गया है ज्वाइंट टेरिटोरियल एक्सरसाइज। और इसमें दोस्तों बहुत से जो लीडर होंगे सिक्योरिटी फोर्स के, वो भी शामिल होंगे कतर के और सऊदी अरेबिया के। तो दो देशों के बीच में अच्छा रिलेशन बना रहे, इसलिए इस मीटिंग का आयोजन किया गया है। फिर दोस्तों कतर की जो अगली अपडेट आ रही है, वो कतर एयरवेज की तरफ से आ रही है। अभी कतर एयरवेज ने एक ऐसा अनाउंसमेंट किया है कि अगर किसी के पास क्रेडिट कार्ड है दोहा बैंक का, तो उन्हें वीजा इन्फिनिटी और वीजा सिग्नेचर का ऑफर दिया जाएगा। वहां के जो वीजा मतलब हो गया दोस्तों कि अगर कोई शख्स वहां सिल्वर और गोल्ड स्टेटस का 7,000 कतरी रियाल खर्च करता है अपने अपने क्रेडिट कार्ड से, और या फिर 14,000 कतरी रियाल खर्च करता है, तो उन्हें दोस्तों हर कतरी रियाल पर 3 कतरी रियाल फायदा मिलेगा। मतलब दोस्तों वहां पे प्रॉफिट होगा अगर वो 7,000 कतरी रियाल फायदा किया है, तो उन्हें हर एक तो 3 कतरी रियाल उन्हें फायदा मिलेगा 7,000 के बदले। मतलब दोस्तों देखा जाए तो 21,000 कतरी रियाल उन्हें फायदा मिलेगा 7,000 खर्च करने पर। अगर आप 14,000 कतरी रियाल खर्च करते हैं तो आपका लगभग 42,000 कतरी रियाल आपको फायदा मिलेगा। ये दोस्तों बेस्ट एयरवेज की तरफ से ये अनाउंसमेंट की गई है। फिर दोस्तों कतर की जो अगली अपडेट आ रही है, वहाँ के जो एजुकेशन मिनिस्टर है उसने 24 फरवरी तक एक लास्ट डेट रखा है कि कोई भी शख्स अगर सेकेंडरी स्कूल में एडमिशन कराना चाहते हैं, तो इसका जो रजिस्ट्रेशन है 2022 और 2023 का वो स्टार्ट हो चुका है। अगर किसी शख्स को वहाँ पर एडमिशन कराना है पढ़ाई के लिए, तो वो एडमिशन करा सकते हैं 24 फरवरी 2022 इसकी लास्ट डेट है। अभी दोस्तों कोरोना से ये अपडेट आ रही है, वहाँ के जो मिनिस्ट्री पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है उसने दोस्तों एक आंकड़ा पेश किया है कि पिछले 24 घंटे में 4,021 केस आए हैं, और इनमें से 3,518 ऐसे हैं जो कि कतर के लोग हैं। अब 503 ऐसे लोग हैं जो कि बाहर से लोग सफर करके कतर आए हैं। और दोस्तों इसमें एक 92 साल का जो पेशेंट है वो भी इसमें वहां पे दोस्तों ये पॉजिटिव पाया गया है। 2,586 लोग ऐसे हैं जो कि वो रिकवर हो चुके हैं पिछले 24 घंटे में। फिर दोस्तों 2,58,000 ऐसे हैं जो कि वहाँ पे टोटल पेशेंट अभी कोरोना वायरस से ठीक हो चुके हैं, और टोटल जो डोजेस वहाँ पे लग चुकी है 54,12,000 डोजेस वहाँ कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है वो लग चुकी है। और टोटल जो वहाँ पे जो 503 ऐसे लोग थे जो दोस्तों जो कि बाहर से लोग सफर करके आए थे। इसलिए दोस्तों जो लोग भी वहाँ पे हैं, तो वो सरकार का गाइडलाइन का पालन करें ताकि वहाँ जो कोरोना केसेस हैं वो कम हो जाए, और जो लॉकडाउन की स्थिति भी ना हो। इसलिए आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग फेस मास्क सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल ख्याल रखें। इसी तरह आज आप मेरे चैनल से रोज अपडेट लेना चाहते हैं, तो अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।